हेलो बच्चों, मैथ्स ओलंपियाड का सुपर क्वेश्चन है बच्चों, 5π/5π इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा गया इसका क्या आंसर होगा। आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों कि यार इतना सरल सवाल सर को बोर्ड पे लगाने की मतलब जरूरत क्या पड़ गई, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं कि जिसको ये लगाया ना जा सके। ये तो देख के लोग आंसर मार रहे होंगे, आप भी कर रहे होंगे। तो अगर आपको आ रहा है ना बच्चों, तो कमेंट्स में जाकर आप अपना आंसर तुरंत करिए, हमारे करने से पहले कमेंट करिए कि ये आंसर होगा इसका, कमेंट करिए इस पर, और उसके बाद देखिए हम इसका आंसर क्या देते हैं आपको। तो बच्चों देखिए इस तरह के सवाल को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि बॉडमास के रूल को लोग कुछ समझते ही नहीं है, और वो क्या करते हैं सवाल को बस लगा देते हैं। डिवाइड है तो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिया, एडिशन है तो एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दिया। लेकिन वो बॉडमास का एक जो रूल होता है ना बच्चों, जो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, यानी कि सेम प्रेसिडेंस होना चाहिए, यानी कि जो चीजें पहले आती हैं, यानी जो साइन पहले आता है उसको पहले सॉल्व करना चाहिए बच्चों। वो काम कोई बच्चा जल्दी करता ही नहीं है, वो कहीं से भी उठा लेता है सवाल और शुरू कर देता है। अरे यार ये जो छोटी छोटी मिस्टेक होती ना, और ये मिस्टेक अगर आप करते रहोगे तो मैथ्स आपकी अधूरी ही है, आप कभी भी मैथमेटिशियन नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को तो इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और कोई अगर आपसे इनकेस अगर आपसे पूछ दिया तो आप एक छोटे से सवाल का आंसर नहीं दे सकते हैं, और बड़े बड़े सवाल आप लगा लेते हैं। सोचिए उस दिन आपका क्या होगा। अरे आप कहेंगे अरे मैं इतना बड़ा बड़ा सवाल लगा लेता हूँ, ये छोटे से सवाल ने मुझे क्यों अटका दिया, क्योंकि आपने बॉडमास के रूल को समझा ही नहीं बच्चों। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बॉडमास के रूल को अच्छे से जाने। तो चलिए हम बताते हैं बॉडमास में होता क्या है, बॉडमास, और इसी से ही आपको सवाल लगाना चाहिए। कहीं कहीं आपने जो अन्य कंट्रीज हैं उसमें आपने देखा होगा पेमडास का यूज किया जाता है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग इसी पर जाएंगे, ठीक है, बॉडमास जो अपने कंट्री में यूज होता है, ठीक है, बॉडमास। तो बॉडमास कहता है क्या है बच्चों, एक चीज याद रखिएगा बच्चों, देखिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का एक जैसा बिहेवियर होता है, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी एक जैसा बिहेवियर होता है, ये बिल्कुल सत्य है, ये बॉडमास हमको सिखा देता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसका पूरा फॉर्म पहले समझ लीजिए, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, यानी जैसे ही ब्रैकेट आएगा पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट होने के लिए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और ओ मतलब है ऑर्डर। ऑर्डर तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ऑर्डर कोई भी सवाल आप लगाते हो ना उसका ऑर्डर तो बहुत जरूरी है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को आप समझ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का मतलब जब भी हम कोई सवाल लगाएंगे तो उसमें ऑर्डर जरूर चेक करेंगे, ठीक है, कि हमको किस ऑर्डर का किस तरीके से सवाल को लगाना है। तो ब्रैकेट, ऑर्डर एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएंगे, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये हो जाएगा बच्चों। तो इसी रूल पर लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, लेफ्ट, ये है लेफ्ट टू राइट, यानी आपको कहां से कहां जाना है, लेफ्ट टू राइट। अब आप कहेंगे लेफ्ट टू राइट करना क्या है यार, साइन को चेक करना है, साइन मतलब जो आपका एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, समझ रहे हैं ना, इन चीजों को चेक करना है, और इन्हीं को ऑर्डर बोला जाता है कि ये किस ऑर्डर में चल रहे हैं। ऑर्डर मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स, उसका एक तरीका एक्सपोनेंट्स भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग कह रहे हैं ना, जो चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए, पेमडास में यही तो यूज होता है ना, उसमें भी यही चीज यूज होता है। पेमडास का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पैराथेसिस होता है जो कि ब्रैकेट बोला जाता है, ठीक है, और ई एक्सपोनेंशियल होता है, यहाँ पे ओ ऑर्डर होता है, तो वही चीजें होती है बच्चों, एक तरह से उनका एक क्रम होना चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो अब इस क्वेश्चन में आइए, तो यहाँ लिखा है 5π/5π, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो साइन पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे, इतना दिमाग लगा लीजिए, जो साइन पहले आएगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5π तो एज इट इज लिखा रहेगा, डिवाइड है बच्चों तो आप डिवाइड लगा लेंगे, लगा लिया ना आपने, उसके बाद हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे और इसके बीच में इंटू क्या है, पाई है, 5 × π है, समझ गए ना ये बात। अच्छा बच्चों बहुत अच्छी बात है, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले कौन सा साइन आ रहा है बच्चों, इसमें कौन सा साइन आ रहा है, डिवाइड वाला कौन सा साइन आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाना है, तो बच्चों हम लेफ्ट में देख रहे हैं कि सबसे पहला वाला जो साइन आ रहा है, पहला निशान कौन सा आ रहा है, डिवीजन का आ रहा है, तो डिवीजन के लिए सॉल्व करेंगे तो 5π, और डिवीजन किसका होगा, इस नंबर का होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो इस नंबर का डिवीजन करेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा बच्चों 5π/5,
और यहाँ पे क्या लिखा है इंटू पाई, ये ऐसे ही लिखा रहेगा बच्चों। तो अब हम इसको सॉल्व करके क्या पाएंगे, पांच से पांच कट जाएगा, पाई और इंटू पाई हो जाएगा बच्चों, पाई इंटू पाई, ये कितना आएगा पाई स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा करेक्ट बच्चों, ये आपका आंसर क्या होगा करेक्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये 5 पाई है डिवाइडेड बाई 5 पाई है, तो वो तुरंत इस सवाल को इस तरह से लगाते हैं 5 पाई बाई 5 पाई, वो इस तरह से काट देते हैं और वैल्यू का रिजल्ट कितना देते हैं, इसका मान कितना देते हैं 1, और तुरंत बताएंगे इसका आंसर 1 होगा। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 1 ही दे रहे होंगे, देखिए मैं जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल सच है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे यानी कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा वो ज्यादातर बच्चे 1 ही इसका आंसर बता रहे होंगे, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे सारे बच्चे गलत होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसका आंसर 1 देंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर 1 मत दीजिए, वो 1 गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, इसका आंसर आ रहा है पाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर नहीं होगा।